हाय एवरीवन, अगर आप जाने अनजाने में इस वीडियो पे आ गए हो तो सिट बैक एंड रिलैक्स। ये वीडियो आपकी लाइफ में क्वालिटी ऐड जरूर करेगा, राइट। हमारे चैनल पे जो भी वीडियो है वो इसी पर्सपेक्टिव से बनाए जाते हैं कि सामने वाले को कुछ सीखने को मिले, राइट। जब ये 5 मिनट का 6 मिनट का वीडियो खत्म हो तो आप अपनी लाइफ में जहां है वहां से नेक्स्ट लेवल आ जाए, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करके जाए। हाय, तो मेरा नाम है डिजिटल जॉन और मैं एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर हूं। और मैं किस चीज में फ्रीलांसिंग करता हूं, क्या सर्विसेज देता हूं, तो मेरी एनिमेशन ग्राफिक डिजाइनिंग की ये सर्विसेज हैं जो मैं सेल करता हूं और क्लाइंट इसके एवज में मुझे पैसे देते हैं, राइट। और यही मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता भी हूं अपने कोर्स में कि किस तरह से आप फ्रीलांसिंग से अर्निंग कर सकते हैं, किस तरह से एनिमेशन की स्किल सीख सकते हैं, ओके। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाके देख सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले आगे बढ़ते हैं इस वीडियो पे। सो हमने ये फैबमिक चैलेंज किया था कि भाई 0 से 2 लाख हमें टच करने हैं। कोई आइडिया नहीं था मुझे कि किस तरह के क्लाइंट्स मिलेंगे, क्या पेमेंट्स होने वाला है, क्या डिलीवरी डेट्स होंगी, राइट। तो इस वीडियो के आखिरी तक आप जानेंगे हम चैलेंज में फेल रहे या पास हुए या आउट ऑफ द हम अमाउंट चले गए, क्या हुआ वो आप वीडियो देखेंगे तब समझेंगे, राइट। ये वीडियो मैं पूरा चैलेंज खत्म होने के बाद बना रहा हूँ। उस दौरान तो हमने शॉट ले लिए थे लेकिन एडिट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था मैंने एडिट, क्योंकि अगर आप सेम डे शूटिंग कर रहे हो और सेम डे एडिट कर रहे हो तो पूरा दिन उसी में खप जाएगा आपका। आप क्लाइंट काम कब करोगे, राइट। जो भी लोग करते हैं आई डोंट नो कैसे कर लेते हैं, या तो भाई क्लाइंट वर्क किया जा सकता है या फिर चैलेंज के वीडियो बना लो, राइट। आप साथ में चाह रहे हो कि मैं क्लाइंट को सर्व करूं तो क्लाइंट से मीटिंग करनी है, उनके लिए प्रिपेयर होना है, उनका काम डिलीवर करना है, यू नो टाइम पे डिलीवरी चली जाए, यही बहुत बड़ी बात है। और इसमें साथ में अपना शॉट भी बना रहे हो, शॉट को भी रिकॉर्ड कर रहे हो, माइंड में चल रहा है यार इस एंगल से लेना है तो हो गया, क्योंकि काम में क्रिएटिविटी दिखाओगे नहीं दिखाओगे, या अपने शॉट को वीडियो को कितना सुंदर बनाना है उसी में दिमाग लगाओगे, राइट। तो मैंने सक्सेसफुली सभी क्लाइंट को सेटिस्फाई करके उनके काम को डिलीवर किया, सबसे पेमेंट कलेक्ट किए, और वो जर्नी मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि किस तरह से मेरे को बीच में छुट्टी भी लेनी पड़ी, तबीयत भी थोड़ी नासाज रही, और सारे काम हमने किए, किस तरह से चैलेंज को पूरा किया। एक फ्रीलांसर कितनी इनकम सोर्सेज पर डिपेंड रहता है, राइट। सब कुछ आपको इसको बताया तो हेल्पफुल रहेगा, जानने को आपको काफी कुछ मिलेगा, ओके। सो बढ़ते हैं फर्स्ट डे पे। ओके, अभी दिन की शुरुआत हुई है। ऑलराइट, सो ये है फेब मंथ और इसमें हमने शुरुआत की है अपनी। इस महीने टारगेट है हमारा अपने अकाउंट को 2 लाख। यहाँ पे मैं टेक ले रहा हूँ और आप देखेंगे ये मेरा D1 है, यहाँ पे मैं अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने और शॉट्स भी लिए हैं, मैं पीछे से वॉइस ओवर देके इस पूरे वीडियो को आपको समराइज करके दिखाने वाला हूँ। सो आगे बढ़ते हैं। ये है। तो शुरुआत होती है यहाँ से क्लाइंट को ढूंढने की कि कौन सा क्लाइंट ऑनबोर्ड होगा। कुछ क्लाइंट्स की ईमेल आई हुई थी, उनको रिप्लाई कर रहे हैं और एक क्लाइंट के साथ आज नाइट को मीटिंग फिक्स हुई है। सो बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, तो मीटिंग शुरू हो गई है। क्लाइंट के सभी सवालों का जवाब देने के बाद, उसको ये यकीन दिलाने के बाद कि हाँ हम उसका काम अच्छे से डिलीवर कर देंगे, $900 की डील यहाँ पे डन हो गई है और क्लाइंट ने हमको 450 एडवांस सेंड कर दिए जो कितने 35,550 रुपए। और ये लो जी, क्लाइंट ऑनबोर्ड होना शुरू हो गए और हमारा व्हाइट बोर्ड फिल होना शुरू हो गया है। और सेम डे पे एक और इनवॉइस क्लियर हुआ था 14,750 का। और इसी के साथ एक और क्लाइंट ऑनबोर्ड। आज का पूरा दिन क्लाइंट्स को ईमेल करने में, उनसे मीटिंग सेट करने में, मीटिंग करने में चल गया। अभी रेस्ट करते हैं, बाकी आगे। उसके बाद सेकंड फैब, थर्ड फैब, फोर्थ फैब, काम करते करते निकल गए। मैं उठता, काम करता, कुछ कॉलिंग करता, क्लाइंट से मीटिंग करता, कुछ से बात जमती, कुछ से नहीं जमती। फिर फिफ्थ फैब को हमें 159 यूरो का एक और प्रोजेक्ट मिलता है। फिर सिक्स फैब, सेवन फैब, एट फैब, नाइन फैब, इसी तरह से निकल जाते हैं काम करते हुए। हमें 9 फैब को एक और ऑर्डर मिलता है $142 का। और अब तक जो प्रोजेक्ट हमें आए हैं, जिनका हमने एडवांस पेमेंट लिया है, उनको करने में लग गया क्योंकि उनको डिलीवर करना भी जरूरी है। इसी तरह से 10 फैब निकला, 11, 12, राइट, दिन निकलते जा रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि जिस तरह के प्रोजेक्ट हमारे पास आ रहे हैं, $152 का, 153 यूरो का, $450 का, इस तरह से 2 लाख को हम टच कर पाएंगे। हमें ज़रूरत है एक बड़े क्लाइंट की, राइट। लेट्स सी क्या होता है। तभी हमारे पास एक इंक्वायरी आती है 13 फैब को क्लाइंट की। लेट्स सी मीटिंग में क्या होता है। So, please, you know, you are the owner of this, of your business, so you understand very much well instead of me, right? So you tell me the exact script, ki jointly this is the script, you can refine it, so I can put my taste in that, okay? So at the end of the video, we put some call to action, for example, so why are you waiting for, you know, enroll it now and bright future for your children, something like that, right? So it's costing depend on the duration. And also the style. For example, so much animation, like you proper like that kind of animation, like you know the charges is $2,000 per minute, something like that. And if you want to like normal head movements, it's $500 per minute, something like that. Yeah. Okay. 1 minute का plan कर रहे हैं, 1 minute का plan कर रहे हैं और script आपको देनी है हमारे side से और video best quality का बन के आएगा with a reasonable price. ठीक है, मैं आपको script दे दूँ और ड्यूरेशन विद इन 1 मिनट। सो अब तक जो भी पेमेंट रिसीव हुए हैं वो आपके सामने हैं, 35,000 का, 14,000 का, 12,000 का, 10,000 का, 84,000 का, तो टोटल हो गया 158,000। कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यस अब तो ये चैलेंज हम जरूर टच कर लेंगे क्योंकि अभी दिन बाकी है, राइट। लेकिन 14 और 15 तारीख हमारा
काम नहीं हो पाएगा बिकॉज मुझे वेडिंग में जाना है आउट ऑफ द टाउन और कल वैलेंटाइन डे भी है. सो मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं अपनी वाइफ के लिए कुछ सरप्राइजिंग कस्टमाइज गिफ्ट लेके जाऊं. तो मैंने चुना है ये रोज झुमका. सो हाँ जी, हो गई शादी और हम लौट आए हैं वापस से अपने होम टाउन और काम करेंगे. ठीक है, आज 15 तारीख का आधा दिन निकल गया है तो कुछ ठीक ठाक काम हो गया. इसी के साथ 15 को हमें एक और प्रोजेक्ट आया शाम को. क्लाइंट ने उसका पेमेंट भी रिलीज कर दिया 147 यूरो का. उसके बाद यूट्यूब मनी भी हमारा रेडी हो गया था $100 से ऊपर $109 जिसका पेमेंट बना INR में ₹8,908. ओके, ये भी एक साइड इनकम था हमारा जो इसी मंथ आया. उसके बाद एक और पेमेंट आया 21 तारीख को, 26 तारीख को, राइट. इस तरह के कई पेमेंट्स आए और साथ में कुछ स्टूडेंट्स भी एनरोल हुए. अराउंड 13 स्टूडेंट थे जो कि थे 39,000 के समथिंग. तो आइए जानते हैं क्या रहा हमारे चैलेंज का, क्या हम जीते या फिर हारे. सो जो भी पेमेंट हमें आए थे वो ये रहे. ओके, इन सब का टोटल लगाते हैं हम तो ये कुछ होता है 2,59,156. ये हम जीत गए. अब कुछ लोग बोलने के लिए बोल सकते हैं कि वीडियो में जो तुमने पेमेंट दिखाया कि भाई 35,000 आया या 30,000 आया, 10,000, 14,000, तो क्या रियल में आए या तुमने बस ऐसे दिखा दिया. तो मैं, मेरे को पता था कि लोग कुछ ऐसा भी सोचेंगे, इसलिए मैं ऑलरेडी इस वीडियो के आखिरी में अपनी लाइव अपनी ऐप दिखा रहा हूँ बैंक की, जहां पे मैंने देखो 1/2 से लेके 29/2 तक डाला हुआ है और ये मैंने किया गेट स्टेटमेंट पे क्लिक. ओके, क्योंकि मैं ट्रांसपेरेंट रहना चाहता हूँ, जो मैं बताता हूँ वो हुआ है तो ही मैं बताता हूँ, अदरवाइज मेरे को कोई ऐसा शौक नहीं है. ये देखिए, अब सबसे नीचे चल लेते हैं एंट्री पे. ओके, या 1 फेब से देख लेते हैं तो ये डिडक्शंस हो रहे हैं कुछ. यहाँ पे ये पेमेंट आया है 35,000 रुपए का, जैसे मैंने बोला था. ये कब आया, किस तारीख को, 1 तारीख को आया है. गॉट इट. ऐसे ये 35,000, 14,750, जिस तारीख को मैंने जो पेमेंट बताया वो उस तारीख को आया है 12,000 रुपए का. ये देखिए 10,000 रुपए का. अभी 1160 जो है ये क्लाइंट पेमेंट नहीं है, ये कुछ रिफंड आया था, मैंने कोई शर्ट टी शर्ट वगैरह मंगाई थी उसका रिफंड होगा. ये देखिए 84,388 जो मैंने बोला था, जिस तारीख को मैंने बोला है 13 फेब को है, तो यहाँ पे वो पेमेंट शो हो रहा है. ओके, ये देखिए ये यहाँ पे पेमेंट्स आए हैं. ये देखिए ये यूट्यूब मनी, राइट, 109 USD जो था यूट्यूब से आए. ओके, सो हाय, ये वीडियो एडिट कर रहा हूँ मैं आज 22 तारीख को. फेब का चैलेंज था, उसके बाद मैं अपने काम में बिजी हो गया मार्च में और अप्रैल में. अब जाके मुझे फुर्सत मिली है तब मैं एडिट कर रहा हूँ. इधर आइए, ये देखिए आज तारीख है 22. ओके, ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ कि भाई उसी वक्त चैलेंज किया था तभी हमें काम नहीं आ रहे थे. कि अभी देखिए 22 तारीख है और ये देखिए अभी 10:50 पे पेमेंट आया है और अभी हो रहे हैं 11:28. यहाँ देखिए ये हो रहे हैं 11:28, मैं क्लिक करके भी दिखा देता हूँ यहाँ पे डेट पे. ये देखिए 11:28 22 तारीख हो रही है और यहाँ पे 10:50 पे आया है. ये देखिए 37 मिनट पहले. ठीक है, कहाँ पे आया है आपको पेपाल अकाउंट में लेके चलता हूँ. पेपाल, ये लॉगिन पे क्लिक किया. ऐसे कोई नहीं दिखाता, मैं अपने स्टूडेंट्स को लाइव दिखाता हूँ, उनका ट्यूटर कर पा रहा है तो वो भी कर पाएंगे. ये लॉगिन किया. ओके, और यहाँ पे देखिए जूम करें इस जगह पे. ये देखिए 142 यूरो, ये वो पेमेंट है जो 37 मिनट पहले आया है, राइट. सो इस तरह से क्या स्किल है, सब कुछ कोर्स में बताया हुआ है कि ये जो डॉलर्स में यूरो में पेमेंट आ रहा है वो क्या स्किल है, आप कैसे करेंगे. आपको चाहे एनिमेशन कुछ भी नहीं आता है फिर भी आपको बिल्कुल बिगनर लेवल से सिखाया है कि किस तरह से कैरेक्टर वॉक होगा, उसमें कलरिंग कैसे होगी, एनिमेशन कैसे होगा, वीएफएक्स क्या होता है, ग्रीन स्क्रीन रिमूवर क्या होता है, फायर लगानी है वीडियो में तो वो कैसे लगाएंगे, कोई बॉल है जो एकदम से स्क्रीन पे फेंकी और स्क्रीन ब्रेक हो गई, इस तरह के इफेक्ट्स कैसे बनाएंगे. तो वीएफएक्स, मोशन ग्राफिक्स, वीडियो एडिटिंग और एनिमेशन की फुल नॉलेज देती है और साथ में मेन चीज की क्लाइंट कैसे लेके आए, जिसे मैं लेके आ रहा हूं. टाइम मिला था फेब मंथ का करने का और आपको लाइव दिखाया है कि मैं जब ये एडिट कर रहा हूं वीडियो 22 तारीख को तब भी पेमेंट आया है 147 यूरो का. या ऐसे डेली पेमेंट्स आते हैं. सो नीचे लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें और जाने की कोर्स में और डिटेल क्या है और एनरोल करें. थैंक यू.